नेक्स्ट हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। तो ये है डिफॉल्ट बैकग्राउंड, इस जो ये जो गेम टेम्पलेट्स है इसके डिफॉल्ट बैकग्राउंड है, इसे मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसे मैं मूव करती हूँ। एंड ये है इस गेम बीजी, एंड यहाँ पे मैं ये सारे बैकग्राउंड को डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट आप खुद की बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इसे बैकग्राउंड में इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट बैकग्राउंड में जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाई देगी फोरग्राउंड में, तो इसे मूव करके बैकग्राउंड में लाना है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी स्पीड, जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब नेक्स्ट मैं और एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं सिंपली एक और एक बैकग्राउंड यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ बैकग्राउंड यहाँ फोरग्राउंड में आ जाएगा। फोरग्राउंड से यहाँ पे मूव करना है, इसे टॉप में रखना है, क्योंकि मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि जो यहाँ पे रहेगा, मतलब आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये अगर आपका स्क्रीन है, स्क्रीन एरिया है, तो जो डाउन में रहेगा वो पीछे रहेगा, जो टॉप में रहेगा वो इधर रहेगा, मतलब ये सीन में पहले दिखाएगा एक नंबर। नेक्स्ट आप अगर दूसरा और एक ऑब्जेक्ट्स बीजी ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट इसे आप यहाँ पे रखते हैं, तो पहले आपका ये है, ये जो बीजी है ये यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट ये मिडिल में रहेगा, नेक्स्ट ये इस तरह से काम करता है। मतलब आप जब डाउन से टॉप तक लेयर सजाओगे तो यहाँ पे स्क्रीन पर इस तरह से होगी, ये हिस्सा पीछे होगी, नेक्स्ट मिडिल में होगा, नेक्स्ट टॉप की जो है वो स्क्रीन के सामने दिखाएगा। तो ये थी, नेक्स्ट इसे मैं डिलीट करता हूँ। एंड इसकी जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स, नेक्स्ट इसे प्ले करता हूँ। यहाँ पे प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारे जो वीजी है ये एक साथ मूव हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ में ये नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट जो वीजी है ये थोड़ा सा स्लो होगा, ये इसकी वैल्यू मैं 0.5 सेट करता हूँ, एंड उसके बाद में जो है इसे 0.8, नेक्स्ट इसे ये भी 0.9, नेक्स्ट जो नियरेस्ट पीजी है उसे सेट करना है थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देखिए 1.2। तो अभी मैं प्ले करके देखता हूँ, यहाँ पे प्ले, तो आप देख सकते हैं इस तरह से पीजी मूव हो रहा है। तो ये थी पीजी इंसर्ट करने का प्रोसेस। एंड यहाँ पे पोजीशंस ये ऑब्जेक्ट्स और क्राइटेरिया की तरह है, स्केल, ओपेसिटी एंड इमेज, ये सारे ऑप्शंस पहले जो ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर में सेट की थी वो सेम है। नेक्स्ट इसकी नेम आप आपकी हिसाब से रिनेमिंग कर सकते हैं, यहाँ से नेम पैनल में इसे रिनेमिंग कर सकते हैं। मेरे वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, एंड आपका जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमेंट में बताओ, मैं उसे जरूर सॉल्व करूँगा।